प्रेम सिंह जी चंदूमाजरा। श्री गुरु बचन कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन पर ता महाराज श्री बोले सरोपा देकर के शुभाशीर्वाद दे रहे हैं प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी को। आज सुबह स्वामी जी ने जो कथा प्रवचन किया उसके संबंध में मैंने सोचा कि अगर उसकी टेप ले ली जाए और लगातार उसको एक साल तक सुना जाए हो सकता है किसी के जीवन में तब्दीली आ जाए। इतना लंबा समा एक साल का। पहले स्वामी जी नंदेड़ गए थे, इन्होंने चार प्रवचन किए, उनमें से जो सबसे अखीर का प्रवचन था वो हमने कई बार सुना, एक बार नहीं, दस बार नहीं, उससे भी ज्यादा। इतनी बार सुनने से भी अभी क्लियर नहीं हुआ। और तुम चाहते हो कि एक दिन आए, कथा सुने आदि बीच में छोड़ के चले जाएं और ब्रह्म ज्ञानी बन जाएं, ऐसा होने वाला नहीं। काम कमजोरों का इस रास्ते पे आने का नहीं, परमात्मा की प्राप्ति कमजोर बंदे नु नहीं होंदी। भुखा नंगा फकीर नहीं हुंदा, साधु नहीं बन सकता। जेड़ा बंदा दुनियावी धन तो भी रज्या है, दुनिया के भोगों तो भी जिसनों तृप्ति हो गई है, इस करके विदेश के लोग जिन्होंने सारे सुख साडा तो मन तन सब ललचाते ने, पर उन्हां कोल सारे सुख सुविधा के साधन ने, पर वो फिर भी भारत वल आउंदे ने। स्वामी जी वर्गे युग पुरशां की तलाश करते ने कोई है? पंजवें पातशाह जी फरमाउंदे बाणी विच, ऐसो कौन बली रे, एहो जिहा कोई बली महात्मा है जिन मिल मारे पंच सूरबीर। ये जेड़े पंच सूरमे हन, योधे हन, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इना ते जिसने विजय पाई हो, जिसने विजय पाई है उसे दी संगत नाल ही असी पा सकते हैं, वरना नहीं। भाई नंद लाल जी लिखते ने, गर चेहे अज सर तबपा मौला बवद, जिंदगी दर बंदगी औला बवद। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने गुरमुख सिख्या विच लिखिया है कि कोई मनुख किन्ना भी सियाणा हो जावे, उसनू अपने तो जो अध्यात्मक विच अगे है उदी संगत करनी चाहिए। एक DIG रिटायर हो गए, नदेड़े आए, कहिंदे जी बड़े साधु संत देखे ने पर सब झूठ दियां ही दुकानां ने। देवनेत नाल ही उन्हां दे नाल एक प्रेमी सी, उन्हें कहा तेनू कोई साधु मिलिया नहीं अजे तक? वो संत गुरसिख संतां ते विश्वास रखदा सी। DIG उन्हें मैनू आप ही गल कही, दोबारा जाके उन्हूं वो प्रेमी पिंडरी लै गया जिथे ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा मोहन सिंह जी इस वेले तपस्या विच लीन ने। तां चुबारे विच ही चले गए। बाबा जी तां घट ही जांदे ने, भावें कोई
मंत्री आवे जा कोई राष्ट्रपति आवे उन्होंने कुछ लेना नहीं, इस करके उन्होंने तो गर्ज नहीं। ते जेड़े दुनिया दे मंत्री ने उन्होंने परमात्मा तो की लेना, इस करके वह भी संतां कोल नहीं जाते, वोटा लैन तो भावें चले ही जान कि उन्होंने परमात्मा की जरूरत ही नहीं। पर हैं विरले ना ही घने, कुछ तो हैं जेड़े दोनों चाहते ने। गुरु महाराज ने सानू राज भी दिता, योग भी दिता। तां बाबा जी बाबा मोहन सिंह जी चुबारे ते चले गए, तां प्रेमी बड़ा प्रसन्न होया, हाथ जोड़ के उन्हें नमस्कार की। संत तां मथा नहीं टकाउंदे, दूरों ही फतेह बुलाउंदे ने। उन्हें अपना प्रश्न अगे रख दिता, तां ब्रह्म ज्ञानी बाबा मोहन सिंह जी ने जवाब दिता, गुरसिखा तेनों को गुरमुख नहीं मिलिया अजे तक। उन्होंने तो नहीं कहा तेनों को गुरु नहीं मिलिया, अर्थ तो दोवां दा एक ही है। पर महापुरश कहन लगे तेनों को गुरमुख नहीं मिलिया, उहदे गल बुझ ली। कहिंदे ठहर जा हुण। वह कहिंदा मेरा समा माड़ा सी, मैं रुक नहीं सकिया, संत दयालु हो गए, मैं सोचा कोई नहीं फिर आ जाएंगे, मैं बिना ही दस्या तो पिंड नूं चला गया। मुड़ के मैं गया फिर संत नहीं मुड़े। उन्होंने कहा भी तेरा टाइम कीमती है, तो साडा किहड़ा घट कीमती है। असीं ते अपना सारा जीवन 24 घंटे का समा परमात्मा नूं समर्पण किया होया, पर उहदे विचों समा कढ़दे आ किसे जिग्यासु वास्ते। काम कमजोरों का इस रास्ते पे आने का नहीं, कमजोर बंदा नहीं परमात्मा की प्राप्ति वाले बने आउंदा, वो ते दुनिया दियां कामना विच ही रुझा है। कदम जो धर कर दिखाए पहलवान होशियार है। कहिंदे जेड़ा प्रेम दे मार्ग दे उते पैर रखदा वो ते पहलवान है। सो सतगुरु पातशाह जिन्हां जिन्हां जीवां ते कृपा करदे ने, कहिंदे जेड़ा बोड़ दा रुख उहदे जिन्ने पत्ते होण उन्ने पुन्न होण किसे जीव दे, तां जाके उहनूं मनुखा दे मिलदी है। बोड़ नूं जिन्नियां गोलां लगियां हुंदियां ने उन्ने पुन्न होण तां फिर जाके परमार्थ दी रुचि जागदी है। फिर उहनां गोलां दे विच जिन्ने बीज ने इन्ने किसे जीव दे पुन्न इकट्ठे होण ता उसनों कोई ब्रह्म ज्ञानी साधु मिलता है, नहीं तो भटकदियां ही सारी जिंदगी लंघ जाती है। जिस काम वास्ते मनुख आया उहदे तो खाली चला जाता, रोंदा धोंदा पश्चाताप ही बाकी रह जाता। सानू सुभाग प्राप्त होया है, जद असी बीमार होंने डाक्टर पास जाने कभी यह नहीं सोचिया कि डाक्टर काला है, गोरा है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। वह दवाई देंदा असी राजी हो जाने। जद असी परमात्मा के संबंध में किसी तो रस्ता पुछते हैं तो पहला यह सोचते हैं कि ये कौन है। गुरु अर्जन देव महाराज ने तो नहीं सोचा कि मुसलमान है, ये हथों असी नींह ना रखाइए हरिमंदर साहब की। श्री गुरु ग्रंथ साहब में छे मुसलमाना फकीरां की बाणी है, 15 भट्टां दी बाणी है। वख वख प्रांतां तो मैं व्याख्या नूं कथा नूं लमकावां ना, इत्थे ही समाप्ति करां। 23 तरीक नूं रितंबरा जी भी नदेड़ विच पहुंच रहे ने, मैनूं खबर मिली कि 35,000 जग्यासू इन्हां दे नाल आ रहे ने। 15 भगतां दी जो अंश बंश है, जिवें नामदेव महाराज जी दे अजकल तुलसी जी हैं उन्हां दी संतान विचों, वह भी भगती ने, 8 पैर भगती करदे ने। महाराष्ट्र दे 3 भगत ने, नामदेव जी नरसी नामदेव, त्रिलोचन ते परमानंद जी बारसी। हल्दी की बहुत वड्डी मंडी है बारसी, हजूर साहब तो 6 घंटे का रस्ता है। ये 5 दिन की यात्रा आएगी, सारे यात्रा करते करते नदेड़ आउणगे, जिदे विच सारे हिंदू संत इकट्ठे हो रहे ने। सो तख्त साहब वालों जो मंच लगा है उहदे ते 10 तरीक तो 28 तरीक तक हर रोज़ नवे नवे प्रोग्राम चल रहे ने।
29 तरीक तो लैके 4 तरीक तक विशेष पंडाल लगेगा, जिस विच सारे विश्व के विद्वान सिख संगतां नूं संबोधन करनगे। जिन्ना जिन्ना भी किसे पास समा होवे जरूर पहुँच के लाहे प्राप्त करने हन। गुरु ग्रंथ साहब कला सिखां दा ही नहीं, ये सारे संसार वास्ते पंजवें पातशाह ने बाणी उचारण कीती है। उपदेश चौं वरना को सांझा, कदों वो दिन आवेगा जदों असीं गुरबाणी का प्रचार सारे संसार विच कर सकांगे। इन्हां अखरां नाल ही मैं सारी संगत नूं फतेह बुझाउंदा हाँ। अगला प्रोग्राम सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।